सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंडू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश की बाहुबली मुख्तार अंसारी का परिवार मुकदमों से नहीं बचता है। किसी मुकदमे में आपको राहत मिलती है तब तक एक और मुकदमा जो है ऊपर से चढ़ जाता है या चढ़ा दिया जाता है, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। अब इस कड़ी में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ भी एक FIR दर्ज हो गई है और वो FIR दर्ज गांजा वाला बयान को लेकर हो गई है। दरअसल आपको पता होगा कि सपा सांसद अफजाल अंसारी पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने 27 सितंबर को पत्रकार भवन में पत्रकारों से बातचीत में एक विवादित बयान दिया था। कहा कि गांजा को कानून का दर्जा देकर वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरे महफिल लगाकर गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पीते हैं। भगवान का प्रसाद और बूटी है तो भाई अवैध क्यों है भाई? यह दोहरी नीति क्यों है? अगर वो भगवान का प्रसाद है और भगवान की बूटी है तो उसे कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भका भक हम कह रहे हैं कि लुका के क्यों पी रहे हो? गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। अब कोनो मठ में चला ना, हमारा सतवा हम दिखा दें, अफजाल अंसारी का कहना। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की बूटी व प्रसाद है तो भांग को समाज में जिस तरह तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, भांग का लाइसेंस मिलेगा, गांजा का तो लाइसेंस नहीं है। यह ऐसी अवैध चीज है। अभी कुंभ लगने जा रहा है, एकाध माल गाड़ी भी अगर चला जाएगी गांजे की तो वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे साधु संत महात्मा समाज के लोग गांजा का बड़ा शौक पीते हैं और कहते हैं कि पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए पीते हैं। सांसद के इस बयान पर वायरल वीडियो के बाद साधु समाज द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी रोष प्रकट किया गया है। लेकिन अफजाल अंसारी ने जो बातें कही है वो तो सच्चाई है। जब भगवान भोले का दर्शन करने के लिए सावन महीने में लोग कांवरिया बनकर जाते हैं तो वहां पर खूब गांजा फूका जाता है। लेकिन अब सांसद अफजाल अंसारी ने ये बात खुलेआम तौर पर कह दी है। एक नेता है, अपोजिशन पार्टी की सरकार है तो मुकदमा दर्ज होना लाजमी है। बाकी इस तरीके के बयान पर मुकदमा दर्ज करना, FIR दर्ज करना आप लोगों के लिए कितना अच्छा लगता है या फिर क्या लगता है?